नर्मदे हर। ये देखिए नर्मदा जी का, यहाँ से कुछ आवाज़ पानी की आ रही है, शायद आपको भी सुनने में आ रही हो। तो ये यहाँ पर और इसी स्थान पर जहाँ हम खड़े हैं, एक माँ नर्मदा आश्रम एवं गौशाला अन्य क्षेत्र, यह स्थल डेढ़ी चंदन घाट, उत्तर तट, जिला अनूपपुर। अच्छा, जीर्णोद्धार का कार्य चालू है। हम महंत श्री महेश गिरी जी हैं, तो आइए करते हैं कुछ दर्शन। और महाराज जी का ये आश्रम है, ये आश्रम है। तो चलते हैं अंदर आश्रम में, फिर करते हैं महाराज जी के दर्शन। चलते हैं आश्रम के अंदर। ये यहाँ कुछ बस्ती भी हो गई है, और ये देखिए कंस्ट्रक्शन का कुछ काम पड़ा हुआ है, जीर्णोद्धार का जैसे काम चल रहा है ये। और ये देखिए कितनी सुंदर हुआ, पहले तो हम इसको देखते हैं। ये बिल्ली मौसी क्या कर रही हैं? अरे कुछ खोद रही थी ये। म्याऊ म्याऊ। वाह। आश्रम के अंदर ये आश्रम अभी इस पुराने तरीके का बना हुआ पूरा। तो वो देख रहा था बार बार, तो कब अफसोस में पड़ गया। तो गरुड़ जी जैसे पहुंचे विष्णु भगवान को छोड़ के, तो बोले यार गरुड़ जी ये देखो मेरी तरफ देख रहा। बोला यार तू इसकी चक्कर में मत पर, मेरी पीठ पे बैठ, मैं तुझे इतना दूर छोड़ गया था। जैसे ही वहां छोड़ा, जैसे ही वो नीचे बैठा मर गया। आके यहाँ त्राहिमान त्राहिमान सबके सामने गरुड़ जी, बोले मेरे से पाप हो गया। बोले क्यों? बोले ऐसी ऐसी बात थी। तब काल बोला कि वही मैं सोच रहा था कि इसकी मृत्यु इतने बज के इतने मिनट पे वहाँ पर है, और ये तो 3 दिन में भी नहीं पहुंची। वहाँ पहुंचेगा कैसे? पहुंचेगा कैसे? ये तो यहाँ बैठा है। पहुंचा दिया तो जहाँ जिसको जाना है वो अवश्य पहुंचेगा, चाहे कारण कुछ भी बने, लेकिन वहाँ पर उपस्थित होना पड़ेगा। होना पड़ेगा जी जी, बिल्कुल सही बात है। महाराज जी का धुना है इधर नर्मदे हर। नर्मदे हर प्रभु जी। नर्मदे हर, नर्मदे। महाराज जी अपना शुभ नाम? महेश गिरी। महेश गिरी जी, महेश गिरी। अच्छा अच्छा, ये भगवान पीछे ये श्री शंकरपुरी जी महाराज जी का जो लिखा है, तो इसका आश्रम आगे गाड़ासर से आगे। अच्छा 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 अच्छा, हाँ। वो एक्चुअली हमें इसलिए ध्यान आया शंकरपुरी जी के नाम से, एक विजय शंकरपुरी जी हैं आपके ओंकारेश्वर में, ओंकार पर्वत पर, तो उन्हीं का नाम एकदम से याद आ गया ये देख करके। शंकरपुरी भगवान, इस घाट की कुछ महत्ता? इस घाट का टेढ़ी संगम बोला जाता है इसको जी, और आज का नहीं है, बहुत पुराना अब संगम आज थोड़ी ना बना है जी। इसका कल्पावली में भी दिखाया जाता है जी, ये टेढ़ी से और चिकड़ार के बीच में कल्पावली में ऐसा बताया जाता है कि 7 संगम है। अच्छा, हाँ, यहाँ से वो जो पुल के उस तरफ। अच्छा अच्छा, 7 संगम है। यहाँ पर एक पेड़ चंदन का था कभी जी, तो उसलिए चंदन घाट बचता है, लेकिन आज हजारों पेड़ चंदन के खड़े। अच्छा अच्छा, पहले एक पेड़ हुआ करता था। एक पेड़ हुआ था, वो भी उस तरफ,
अच्छा, तो उस तरफ का वो चंदन घाट बोला जाता है, इस तरफ टेढ़ी टेढ़ी घाट लालपुर। अच्छा, लालपुर टेढ़ी लालपुर के नाम से ये जिला अनूपपुर में पड़ता है, वो जिला डिंडोरी में पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैया के उस तरफ डिंडोरी जिला है, इस तरफ इधर अनूपपुर है। तो भगवान आपका यहाँ से कब से यहाँ पर? मैं चित्रकूट रहता था तो 2016 में आया था परकम्मा लगाने। अच्छा अच्छा, तो परकम्मा जबलपुर से मैं उठाया था, यहाँ तक आते आते इसी पुल पे एक महाराज ने सत्यानंद सरस्वती रहता, उसने कार में मेरे को खंडित करा दी। अच्छा अच्छा, अब फिर मैं यहाँ से उठाया दोबारा जी, तो 17 में उठाया, तो 17, 18, 19, 20, 21 में मेरा परकम्मा पूरा हुआ है। लोग कहते 3 साल 3 महीना ऐसे कुछ, तो मैं बोला कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा ही हो जाए, ज्यादा ही हो जाए। इसके बाद आया तो उस तरफ उत्तर तट में एक कुटिया बना के जी रह रहा था, क्योंकि यहाँ चंदन घाट से वो 10 किलोमीटर कोई चाय पानी का व्यवस्था नहीं था। अच्छा अच्छा, तो वहाँ में परकम्मा वासियों के लिए बना था। फिर वहाँ लोग बाग अच्छे नहीं थे, चोरी करते थे, तो मैं छोड़ के यहाँ आ गया। यहाँ के आया दोनों तरफ का परकम्मा वासी आता है। अच्छा अच्छा, रोड वाला भी आता है और किनारे वाला भी, किनारे वाला भी आता है। वैसे ही अन्न से चलाता रहता हूँ, मस्त रह रहा हूँ, परकम्मा हो गई है। वैसे हमने देखा है भगवान, अधिकांश साधु जो मैया के किनारे हैं वो जैसे परिक्रमा करने आए थे मैया की, वो फिर यहीं के होकर रह गए। बात ऐसी है, एक तो 500 महात्मा परकम्मा लगाते हैं तो 450 ही वापसी होते हैं जी, ठीक है। हाँ, 50 तो रह जाते हैं, 50 रह पाते हैं जी, बाकी सब वापसी जी जी, क्योंकि कुछ मर भी जाते हैं। ये कहने का मात्र परकम्मा, लेकिन करने में बहुत समय लगता है जी जी, 4000 किलोमीटर पड़ता है पैदल आज लगभग। हाँ जी, किनारे किनारे जाएंगे तो 3600 पड़ेगा, लेकिन अब हाँ, बांध बंधने के कारण दूर से। हाँ हाँ, दूर से जाए तो लगभग 4000 किलोमीटर हो गया लगभग, पड़ जाता जी जी। तो भगवान परिक्रमा के समय आपका कुछ अनुभव मैया के प्रति ऐसा रहा हो? अनुभव ये है कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ कि मैंने अपने लिए आज तक किसी से नहीं मांगा जी। परिक्रमा लगाने में मेरे को 16000 24000 रुपया मिला था। अच्छा, तो उससे मैंने कुटिया बनाया था जी, उसमें भी रहा, उसके बाद वो टूट गया। तो यहाँ अनुभव माई का बहुत है, जो एक बार आ जाता वो नहीं छोड़ सकता। अच्छा अच्छा, नहीं तो बताते हैं माई दर्शन देती है, दर्शन देती बराबर, ऐसा थोड़ी ना है। अच्छा, जहाँ आप भूल जाएंगे सिर्फ एक बार याद करेंगे, इतने टाइम में कोई ना कोई आपको आ जाए। आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी? मेरे साथ तो 2-4 बार घटी, लेकिन आपको बताने से। अच्छा अच्छा, क्योंकि मैं अकेला ही चलता हूँ। अच्छा, मैं किसी के आश्रम में मैं एक रात से ज्यादा रुकता नहीं जी, और 3.5 साल बहुत होती है। तो जो सुलपान झाड़ी में लूट लिया जाता है, वहां मैं चतुर्मासा किया था, सीधा 8 महीने रहा था। अच्छा, और वहाँ अब अच्छे लोग हैं, पहले लूट लिया। अब तो बहुत सेवा करते हैं, देखो 60-60 लाख रुपया मिल गया है डूब क्षेत्र का। बिल्कुल, वो भी पैसे वाले हुए। बिल्कुल, तो पैसे वाले हो गए तो जरूरत दूर होगी उनकी। बिल्कुल, पहले लूटने वालों के वोट ज्यादा थे, आज बचाने वालों के वोट ज्यादा। सही बात है, पहले उनके ज्यादा वोट थे लूटने वालों के, लेकिन आज नहीं, आज तो वो खुद ही सेवा करते हैं। अपना प्रभु अखाड़ा कौन सा, जूना अखाड़ा आता है? श्री पंच जूना 10 नाम अखाड़ा में। अच्छा, जूना 10 नाम, महेश गिरी मेरा नाम जी जी, मेरे गुरु जी का नाम सुरेश। अच्छा अच्छा अच्छा, गुरु आश्रम कहाँ भगवान? चित्रकूट में। अच्छा, चित्रकूट में भी देखा वो जंगलों में बहुत दिव्य संत। पंच प्रयाग गए? नहीं प्रभु, हम तो मुश्किल से कुछ संत ढूंढ पाए। मैं जंगल में गए तो मैं अंसुरी आश्रम से 2.5 किलोमीटर पहले रहता हूँ, मंदाकिनी के किनारे पे, वहाँ भी नर्मदा संगम है। अच्छा अच्छा, वहाँ भी नर्मदा संगम। नर्मदा संगम है, क्योंकि जब सती अंसुरिया पानी के लिए खड़ी हुई थी जी, वहाँ एक इंद्रलोक भी है। अच्छा, आपने देखा हो कभी अनुसुईया आश्रम के ऊपर देखना? हाँ, तो एक 50x20 का पत्थर ऐसे निकला बाहर, जैसे किसी ने लगाया है। हाँ हाँ हाँ, ये देखा है हमने। हाँ, तो उसी पे खड़ी हुई थी अनुसुईया पानी मांगने। अच्छा, क्योंकि उस समय यहाँ कहीं जल नहीं था, तो नर्मदा यहाँ से वहां निकली, तो बोले अच्छा गंगा जल चाहिए। पहले से तब मंदाकिनी निकली हुई, उसके भी 12 सुराख हैं ऐसे। अच्छा, सभी मैं जानता हूँ, क्योंकि वहाँ में 9-10 साल रहा।
अच्छा, मंदाकिनी जी के कितने स्रोत है वहाँ? 12 है। अच्छा, यहाँ से लेके अनसुई आश्रम से वो जहाँ अत्रि मुनि तपस्या करते थे वहाँ तक कई जगह पानी निकलता है। हाँ, ये तो हमने भी अनसुई आश्रम से कुछ देखा है कि नीचे से पानी निकलता है। हाँ, ऐसे ही ऐसे 1200। अच्छा, आपको कोई मिला नहीं, वो नर्मदा ले जाता जहाँ नर्मदा ने 12 साल तपस्या की। अच्छा, वहाँ से 3 बम्बू ऐसे में से निकलते। उसको झूरी नाला के नाम से बोला, झूरी नाला, झूरी, क्योंकि अच्छा, वो कभी बंद नहीं होता और ना ही कभी तेज होता है। चित्रकूट में भगवान एक वो भी है, अमृत धारा जिसको बोलते हैं। अमृत धारा तो, और ये कौन सी बोलते हैं, सर एक और थी, हनुमान धारा भी तो है। नहीं, अमृत धारा बताते हैं उसमें, तो ये बताते हैं ये बरसात में भी मंदाकिनी का पानी गंदा हो जाएगा, उसका पानी गंदा नहीं होता है, नहीं। वैसे नीट एंड क्लीन रहता है। अमृत धारा कहाँ पर है, ये तो एक सरजू धारा चलती थी, वो अब बंद हो गई है। अच्छा, हाँ, उसमें सोना निकलता था। अच्छा, हाँ, और परकम्मा मार्ग में पड़ती, जिधर कुंड बना ना उधर चलती थी, लेकिन अब बंद हो गई किस कारण। अच्छा, बाकी एक ही नदी है वहाँ, मंदाकिनी। मंदाकिनी, बाकी धार माने चारों धाम वहाँ ऐसे बोले जाते हैं कि पहला तो कामतगिर, दूसरा अनसुरी आश्रम, तीसरा गुप्त गोतावली, चौथा ये हनुमान धारा, और पांचवा भरत कूप, जहाँ समस्त नदियों का जल भरत जी ने डाला। जी, ये सब है वहाँ पर। बहुत पुराना ही कई मंदिर है, आज की तो बात ही अलग। बहुत पूरे परिक्रमा में यही पता नहीं लगता कि घर है कि आश्रम। बिल्कुल। और चित्रकूट तो बहुत पावन जगह है, जहाँ भगवान ने 11.5 वर्ष बिताए थे। चित्रकूट चिंता हरण निर्मल करण शरीर, मंदाकिनी में एक बार स्नान कर ले पापों से दूर हो जाता है। जी, और इसका एक बार दर्शन कर लीजिए, बस हो गया। बिल्कुल, नर्मदा जी का दर्शन मात्र। ऐसे मैंने आज नहीं, मैं 1999 में आया था परिक्रमा लगा। अच्छा, 1999 में। जी, तब महेश्वर में शिव पुराण चल रहा था, तो उसमें वर्णन निकला था कि एक नर्मदा ऐसी नदी है कि मात्र दर्शन करने से सारे काम चलते हैं। तब मैं उसी बात को पकड़ लिया, मैंने कहा यार फिर दुनिया में काहे को जाना है। जहाँ एक दर्शन करने से सब हो जाता है। जी, यही मेरा चलता है, मैं नर्मदा जी कभी स्नान नहीं करता हूँ, दर्शन करते हैं बस, सिर्फ दर्शन करने का। दर्शन ही करना चाहिए नर्मदा जी का। जी, हमारे शास्त्रों में तो नाम है नर्मदा में स्नान। जी, कोई मतलब नहीं उसको, जब तक नहीं समझा तो नहीं समझा, जो समझ गया तो। बिल्कुल, वो एक शक्ति है। बताते हैं कि नर्मदा जी के किनारे रहने वाले या परिक्रमा करने वाले की मनोकामना पूर्ण करती है मैया बहुत जल्दी। ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन उसके जैसा आपको होना पड़ेगा। जी, भाई वाल्मीकि जी रोज मर्डर करता था, लेकिन जब वो स्वयं बन गया था तो वो देखिए रामायण लिखा है। जी, यहाँ मूर्ख से मूर्ख आकर के सुधर जाता है और ज्ञानी भाग जाता है, क्योंकि सर्विस तो यहाँ नर्मदा की ही चलती है। जी, आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, ये सब। और जो सोच नहीं सकते वो होया जाता है, वो होया जाता है। जो हम सोचे जी तो वो नहीं मिलेगा, लेकिन जो भूल जाएंगे वो जरूर होगा। मतलब आपके लिए जो अच्छा होगा वो मैया जरूर करेगी। वो निकलेगी तो करेगा कौन, जब उसके सहारे यहाँ बैठे हुए हैं। जी, अब इतना परिक्रमा वासी आता है इस गांव में, आप किसी के घर में चाय नहीं पिया, सिर्फ एक ही बंदा आता मेरे पास, इसके घर में कभी जाऊं। अच्छा, बाकी कोई ना, दो चावल नहीं, मैं किसी से जाता हूँ मांगने। तो भगवान यहाँ अन्य क्षेत्र चलाते हैं, तो फिर अन्य क्षेत्र की व्यवस्था मैया करती है। बाकी कोई मेरा 53 साल की उम्र में कोई भगत नहीं, 5 दिन यहाँ बैठे रहना मेरे किसी को फोन नहीं लगा, क्योंकि तो मैं सुनता हूँ करता तो है ही नहीं कोई भगत, तो किसको लगा बताइए। हाँ, जब जरूरत पड़ती तो खुद ही भेज देती है, बाकी क्या लेना, खुद ही भेज देती है। तो वही एक भरोसा है, उसी पे गाड़ी चल रही है। और जितने भी महात्मा, मेरी नहीं, जो भी परिक्रमा वासी कैसा भी इंसान हो जी, उसके साथ नर्मदा बड़ा हमेशा रहती, खाली परिक्रमा में रहे उसके साथ ऑटोमेटिक रहती।
अच्छा। चलिए भगवान, आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा। आपसे मिलकर के नर्मदा जी के बारे में और चित्रकूट के बारे में, दोनों के बारे में पता चला। ये दोनों जगह ही है जी, श्रेष्ठ है। सब तीर्थों का राजा है वो प्रयागराज। लेकिन जब एक बार मीटिंग में सब पहुंच गए, चित्रकूट रह गया, तो उसने आगे भगवान से प्रार्थना की कि आपने मुझे समस्त राजा बनाया पर चित्रकूट क्यों नहीं आया। तो भगवान जी ने बोला कि सुनो, मैंने आपको तीर्थ स्थान का राजा बनाया था, बाकी मैंने अपने घर का नहीं। चित्रकूट के पास प्रयागराज को आना पड़ता है, पर चित्रकूट नहीं गया। चित्रकूट भगवान का घर। चलिए प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। भगवान ने माना तो हमको तुमको मानने में क्या। बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो एक ऐसी है कि नर का मद हरने वाली, इसका नाम नर्मदा है, कभी ना मरने वाली, अर्थात महापिले में भी इसकी धार सीधी चलती रहती है, कभी नर्मदा बंद नहीं होती। ऐसा भी कहा जाता गंगा जी का समय पूरा हो गया है, कभी भी जा सकती जी, लेकिन नर्मदा नहीं जाएगी, ऐसा हमारे पुराणों में लिखा हुआ है। जी जी, क्योंकि उनका तो एक समय था, मान के लाए गए। हाँ, भागीरथ जी ने कुछ समय के लिए मांगा था गंगा जी को, तो जी जी, वो मांगी हुई चीज तो वापस देनी ही पड़ती है, पड़ेगी। अभी तो शक्ति है, कहाँ जाए। जी जी, अभी गवर्नमेंट का वो चल रहा 300 मीटर हटाओ, जगह छोड़ो, कोई गांव नहीं होगा, कोई खेती नहीं होगी, सिर्फ आश्रम होगा नर्मदा जी किनारे। जी, आश्रम हो, पेड़ पौधे जी। क्यों, जितना बड़ा बड़ा लोग आएगा अभी देखना, आने वाले भविष्य में सब नर्मदा किनारे होगा, सबका बड़ा बंगला होगा, सब नर्मदा किनारे। सही है कि ऐसा साफ वातावरण, साफ हवा, यहाँ कभी पंखा की जरूरत नहीं पड़ती, सही है, ना ही कभी गर्मी पड़ती भयानक, ना कभी ठंडी पड़ती। जी जी, चलिए भगवान, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के। और नर्मदे नर्मदे हर नर्मदे हर।